नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है सेमिनार, और ये नर्सिंग एजुकेशन का एक टॉपिक है। इसके बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। सेमिनार क्या है? ग्रुप डिस्कशन का एक टाइप है। फोकसेस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। इसका फोकस किस पे होता है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच पे। द सेमिनार कंसिस्ट ऑफ ए साइंटिफिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ ए सेलेक्टेड प्रॉब्लम। सेमिनार में क्या होता है कि एक सेलेक्टेड जो प्रॉब्लम है उसकी स्टडी के लिए साइंटिफिक अप्रोच इसमें अपनाई जाती है। मोस्ट कॉमनली प्रॉब्लम रिलेटेड टू केयर, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ द नर्व्स इन क्लिनिकल एरिया। इसमें मेनली कौन से टॉपिक होते हैं? मोस्ट कॉमनली होते हैं इसमें प्रॉब्लम रिलेटेड टू केयर, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ द नर्स। किसमें? क्लिनिकल एरिया में। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है सेमिनार की? सेमिनार इज़ एन इंस्ट्रक्शनल टेक्निक। इंस्ट्रक्शन की एक टेक्निक है ऑफ हायर लर्निंग, जिसमें कि क्या है, हायर लेवल पे लर्निंग होती है, विच इन्वॉल्व्स पेपर रीडिंग। जिसमें क्या शामिल होता है? पेपर रीडिंग, ए थीम एंड फॉलोड बाय द ग्रुप डिस्कशन। एक थीम होती है इसमें, उसके बाद में उस पर ग्रुप डिस्कशन होता है टू क्लैरिफाई द कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट ऑफ द थीम। जिससे कि जो वो थीम है हमारी, उसके जो कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट हैं उसको हम क्लियर कर लें, उस पर हम क्लैरिफाई करें उसको, किसके द्वारा? ग्रुप डिस्कशन के द्वारा। तो ये होता है सेमिनार। तो सेमिनार इज एन इंस्ट्रक्शनल टेक्निक ऑफ हायर लर्निंग विच इन्वॉल्व्स पेपर रीडिंग ए थीम एंड फॉलोड बाय द ग्रुप डिस्कशन टू क्लैरिफाई द कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट ऑफ द थीम। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। अब सेमिनार के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? तो टू गिव स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन मेथड साइंटिफिक एनालिसिस एंड रिसर्च प्रोसीजर्स। इसमें क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे कि वो पार्टिसिपेट कर सकें, किसमें? साइंटिफिक एनालिसिस में और रिसर्च प्रोसीजर्स की मेथड में। पहला है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव में क्या है? टू डेवलप हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़। इसमें क्या है, हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप की जाती है, सच एज एनालिसिस, सिंथेसिस, किसी चीज़ को कई भागों में डिवाइड करके देखना, फिर उन डिवाइडेड पार्ट्स को एक संश्लेषण करना, उनका सिंथेसिस करना और इवेल्यूएशन करना। तो इस तरह की एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं, और ये किस तरह की एबिलिटीज़ हैं? हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़। नेक्स्ट है वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजेशन ऑफ क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन। इससे सिचुएशन की वैल्यू निकालना, उसका ऑर्गेनाइजेशन करना, उसको कैरेक्टराइजेशन करना, इस सब इसमें जल्दी से हो जाता है। तो वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन हो जाती है इसमें। कीप ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन एकदम ध्यान से किया जाता है। गिव क्लैरिफिकेशन, इसमें क्लैरिफिकेशन दिए जाते हैं ग्रुप डिस्कशन के दौरान। तो इस तरह से कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट में आ गया टू डेवलप हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज सच एज एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्यूएशन, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन, कीप ऑब्जर्वेशन एंड गिव क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट आता है अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव मीन्स जिससे कि प्रभाव पड़ रहा हो इमोशनली रूप से, या किसी भी तरह से फीलिंग हो उसमें, उस ऑब्जेक्टिव्स को इसके द्वारा कैसे लिया जाता है? फीलिंग, टॉलरेंस, टॉलरेंस की भावना फील करना, फीलिंग ऑफ कॉपरेशन, आपस में सहयोग की फील करना, एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। तो ये सब किस में, ऑब्जेक्टिव में आते हैं? अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव में फीलिंग टॉलरेंस, फीलिंग ऑफ कॉपरेशन एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट आता है यूजेस। मोस्ट कॉमनली यूज इन अपर डिविजन कोर्सेज। ये किस में यूज होता है मेनली? जो अपर डिवीज़न कोर्सेज होते हैं उसमें। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सेमिनार। अब सेमिनार कितने टाइप की होती है ये हम देखेंगे। तो
तो इसका पहला टाइप है मिनी सेमिनार। मिनी सेमिनार में बिफोर द मेन सेमिनार, ये जब मेन सेमिनार होती है उससे पहले ये ऑर्गेनाइज की जाती है, इसको हम बोलते हैं मिनी सेमिनार। नेक्स्ट आती है मेन सेमिनार। मेन सेमिनार में क्या है, ऑर्गेनाइज वीकली और मंथली, ये एक सप्ताह में एक बार या एक महीने में एक बार ऑर्गेनाइज की जाती है। दूसरा है इसका डिपार्टमेंटल और इंस्टीट्यूशनल लेवल, ये डिपार्टमेंटल लेवल पे भी हो सकती है और पूरे इंस्टीट्यूट के लेवल पे भी हो सकती है। ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ टेक पार्ट, इसमें सारे स्टूडेंट और स्टाफ पार्ट लेते हैं। स्पेसिफिक थीम, इसकी थीम क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। तो ये हो गया मेन सेमिनार, ऑर्गेनाइज्ड वीकली और मंथली, डिपार्टमेंटल और इंस्टीट्यूशनल लेवल, ऑल द स्टूडेंट स्टाफ टेक पार्ट एंड स्पेसिफिक थीम। थर्ड आता है नेशनल सेमिनार। नेशनल लेवल पे जो सेमिनार ऑर्गेनाइज की जाती है उसको कहते हैं नेशनल सेमिनार। जैसे कि एग्जांपल है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स इन एजुकेशन, इस तरह के इनके थीम होती है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स इन एजुकेशन। इसके बाद आता है इंटरनेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज बाय यूनेस्को, जैसे कि यूनेस्को द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। एग्जांपल है इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन रेफरेंस। तो इस तरह से ये इंटरनेशनल लेवल पर होती है। तो मेनली चार सेमिनार हो गई, माइनर, मेन, नेशनल एंड इंटरनेशनल। अब आता है नेक्स्ट टेक्निक। टेक्निक क्या होती है, इसमें 10 to 15 मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एंड सिंगल प्रॉब्लम होती है इसमें। 1 to 2 आवर की ड्यूरेशन होती है इसकी। सब प्रॉब्लम्स स्टडीड बाय ईच मेंबर एंड प्रेजेंटेड एज पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम के अंदर उसके पार्ट होते हैं सब प्रॉब्लम, वो स्टडी की जाती है हर मेंबर के द्वारा और उस के जो पार्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं उस मेंबर के द्वारा, जो कि किसके होते हैं, टोटल प्रॉब्लम के पार्ट होते हैं। द प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट, फिर जो रिपोर्ट आती है उसका प्रेजेंटेशन करते हैं। टीचर इसमें क्या होता है, एज ए लीडर होता है टीचर। तो इस तरह से ये हो गया टेक्निक ऑफ सेमिनार। 10 to 15 मेंबर पार्टिसिपेंट, सिंगल प्रॉब्लम, 1 to 2 आवर ड्यूरेशन, सब प्रॉब्लम स्टडीड बाय ईच मेंबर एंड प्रेजेंटेड एज पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉब्लम, द प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट, टीचर इज ए लीडर। सेमिनार एज एन मेथड ऑफ टीचिंग, क्या है, एज ए मेथड ऑफ टीचिंग की मेथड की तरह है ये। हेल्पफुल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ केयरिंग मैनेजिंग एस्पेक्ट्स इन द क्लिनिकल सेटिंग। ये किस चीज़ को सॉल्व करती है, कौन सी समस्याओं को, ये क्लिनिकल सेटिंग में केयरिंग और मैनेजिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में ये हेल्पफुल होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट, इससे स्टूडेंट को अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन महसूस होता है या उसको पता चलता है। स्टूडेंट रोल एक्टिव इन कॉन्ट्रास्ट टू द पैसिव इन लेक्चरर मेथड, इसमें जो स्टूडेंट है उसका रोल कैसा होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जबकि लेक्चर मेथड में एक तरह से वो क्या है, टीचर बोलते रहते हैं और जो स्टूडेंट है वो केवल लिसनिंग का काम करते हैं या कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें वो पैसिव पार्ट लेते हैं। तो रूल ऑफ कंडक्टिंग सेमिनार, क्या क्या रूल होते हैं सेमिनार को कंडक्ट करने की। तो पहला है चेयरमैन शुड स्किल इन एनकरेजिंग पार्टिसिपेंट। चेयरमैन में इतनी स्किल होनी चाहिए कि वो अपने पार्टिसिपेंट को एनकरेज कर सके। स्टूडेंट सेक्रेटरी शुड रिकॉर्ड, उनको रिकॉर्ड करना चाहिए। डिस्कशन शुड बी कैप्ट इंटरेस्टिंग, जो भी डिस्कशन चल रहा है ग्रुप डिस्कशन उसको इंटरेस्टिंग रखना होता है, जिससे कि सभी मेंबर्स उसमें एक्टिवली उसको इंटरेस्ट से सुन सकें। सेट टाइम लिमिट, टाइम लिमिट उसमें सेट होती है, क्योंकि यदि टाइम कम होगा तो वो पूरा टॉपिक कवर नहीं होगा और ज़्यादा होगा तो वो बोरिंग भी हो सकता है, तो इसलिए इसमें टाइम लिमिट सेट होती है। प्लान फॉर समरी एट इंटरवल एंड एट द एंड, इसमें प्लान होता है कि समरी को इंटरवल पे बताया जाए और एट द एंड पे बताया जाए। प्लान फॉर टीचर एंड स्टूडेंट सेल्फ एवेल्यूएशन, इसमें प्लान होता है कि टीचर अपने आप को किस तरह से एवेल्यूएट करेंगे और स्टूडेंट किस तरह से एवेल्यूएट करेंगे। तो इस तरह से हमने रूल ऑफ कंडक्टिंग सेमिनार पढ़े। चेयरमैन शुड स्किल इन एनकरेजिंग पार्टिसिपेंट, स्टूडेंट सेक्रेटरी शुड रिकॉर्ड,
तीसरा डिस्कशन शुड बी केप्ट इंटरेस्टिंग सेट द लिमिट देन प्लान फॉर समरी एट इंटरवल एंड एट एंड प्लान फॉर टीचर एंड स्टूडेंट सेल्फ एवेल्यूएशन. नेक्स्ट आता है रोल्स इन सेमिनार टेक्निक्स, क्या क्या रोल होते हैं. तो सबसे पहले है ऑर्गेनाइजर का या इंस्ट्रक्टर का क्या रोल होता है. इनका रोल होता है प्लान एंड प्रिपेयर होल प्रोग्राम, पूरे जो भी प्रोग्राम होगा उसको प्लान करना और उसको प्रिपेयर करना. डिसाइड द थीम ऑफ द सेमिनार एंड असाइन, फिर क्या करना, सेमिनार की क्या थीम होगी ये डिसाइड करना और असाइन करना. डेट टाइम प्लेस डिसाइडेड बाय हिम, वो कौन से दिन होगी, किस टाइम पे होगी, उसकी क्या जगह होगी, ये उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है. सजेस्ट नेम ऑफ चेयरमैन, वो क्या करता है, चेयरमैन का नेम सजेस्ट करता है. प्रिपेयर टोटल शेड्यूल ऑफ सेमिनार, सारा जो भी सेमिनार का शेड्यूल है वो उसको प्रिपेयर करता है. तो इस तरह से ऑर्गेनाइजर का या इंस्ट्रक्टर का क्या रोल है, प्लान एंड प्रिपेयर होल प्रोग्राम, डिसाइड द थीम ऑफ सेमिनार एंड असाइन डेट टाइम प्लेस डिसाइडेड बाय हिम, सजेस्ट नेम ऑफ चेयरमैन, प्रिपेयर टोटल शेड्यूल ऑफ सेमिनार. सेकेंड आता है रोल ऑफ चेयरमैन और प्रेसिडेंट, अब चेयरमैन का या प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है. कंडक्टेड सेमिनार, ये क्या करते हैं, सेमिनार को कंडक्ट कराते हैं. कीप डिस्कशन ऑन थीम, थीम पर ही डिस्कशन रहे ये इंश्योर करते हैं ये. एट द एंड समराइज, और एंड भी समराइज हो, ये इनका रोल होता है. गिव थैंक्स टू स्पीकर पार्टिसिपेंट एंड ऑब्जर्वर, तो जो स्पीकर हैं उनको थैंक्स देना, पार्टिसिपेंट को थैंक्स देना और ऑब्जर्वर को थैंक्स देना इनका काम होता है. तो ये हो गए रोल ऑफ चेयरमैन और प्रेसिडेंट. कंडक्टेड सेमिनार, कीप डिस्कशन ऑन थीम, एट द एंड समरी एंड गिव थैंक्स टू स्पीकर पार्टिसिपेंट एंड ऑब्जर्वर. नेक्स्ट आता है रोल ऑफ स्पीकर, रोल ऑफ स्पीकर है प्रिपेयर टू द टॉपिक, टॉपिक को प्रिपेयर करना, रेडी टू डिफेंड द क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन पूछे उनके डिफेंड के लिए रेडी रहना. रोल ऑफ पार्टिसिपेंट, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. रोल ऑफ ऑब्जर्वर, एक्टिवली ऑब्जर्व करते हैं. देन आता है द फंक्शन ऑफ द टीचर, तो फंक्शन ऑफ टीचर क्या होता है, सेलेक्ट द टॉपिक, टॉपिक को सेलेक्ट करना, बीइंग प्रिपेयर टू हेल्प, और किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो उसके लिए प्रिपेयर रहना. कंफर्म द एसेंशियल पॉइंट, उसमें एसेंशियल पॉइंट क्या होंगे उनको कंफर्म करना. मेक श्योर दैट इररेलीवेंट डिस्कशन आर अवॉइडेड, और ये श्योर होना कि जो इररेलीवेंट डिस्कशन है वो अवॉइड हो सके. तो इस तरह से ये हो गए फंक्शन ऑफ द टीचर, सेलेक्ट द टॉपिक, बींग प्रिपेयर टू हेल्प, कन्फर्म द एसेंशियल पॉइंट, मेक श्योर दैट इररेलीवेंट डिस्कशन आर अवॉइडेड. नेक्स्ट आता है एडवांटेज, एडवांटेज में है साइंटिफिक एनालिसिस, सॉल्व प्रॉब्लम्स, इससे क्या होता है सेमिनार से साइंटिफिक एनालिसिस होता है, प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स का आपस में आदान प्रदान होता है, प्रोमोट इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इससे व्यक्ति अपने आप में जो थिंकिंग होती है उसकी एबिलिटीज़ वो उसमें प्रमोट होती हैं, डेवलप होती हैं, प्रमोट स्प्रिट एंड कोऑपरेशन, जो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की भावना है, स्प्रिट की भावना है वो इसमें प्रमोट होती है. तो ये उसके हो गए एडवांटेज, तो एडवांटेज में हो गए साइंटिफिक एनालिसिस, सॉल्व प्रॉब्लम, एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, प्रमोट इंडिपेंडेंट थिंकिंग, प्रमोट स्प्रिट एंड कोऑपरेशन. एंड डिसएडवांटेज में क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है, कैन नॉट बी अप्लाइड टू न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूज फॉर ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन के हर लेवल पे इसको यूज नहीं कर सकते. ये किस लेवल पे यूज होता है, हायर लेवल पे यूज होता है. तो इस तरह से ये डिसएडवांटेज हैं सेमिनार के, टाइम कंज्यूमिंग, कैन नॉट बी अप्लाई टू न्यू स्टूडेंट, कैन नॉट बी यूज फॉर ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन. तो आज का हमारा टॉपिक था सेमिनार, और इसमें ये ग्रुप डिस्कशन का टाइप है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे फोकस करता है, और ये साइंटिफिक अप्रोच के द्वारा ये आगे बढ़ता है,
और मोस्ट कॉमनली रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है केयर, कम्युनिटी कोलाबोरेशन, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, फंक्शन ऑफ द नर्स इन द क्लिनिकल एरिया। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।